ही कांड की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड नीतीश कुमार, उसके साथ अमित आनंद और दानापुर नगर परिषद में इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु के साथ कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं, जिसके बाद बिहार ईओयू के एडीजी नयर हसनैन खान ने दिल्ली में एनटीए के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। पेपर लीक कांड का कनेक्शन अब न सिर्फ बिहार से बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहा है, साथ ही जांच एजेंसी को अब इसमें एक और बड़ा क्ल्यू मिला है। पटना नालंदा बॉर्डर से मिले हैं क्ल्यू, नीट पेपर लीक होने की जानकारी मिली है। सॉल्वर गैंग को मिल गया था प्रश्न पत्र, परीक्षा से एक दिन पहले मिला था प्रश्न, रांची के कॉलेज के 10 छात्रों ने किया था सॉल्व, रांची के बड़े मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने हल किए थे प्रश्न, व्हाट्सएप के जरिए अमित नीतीश तक पहुंचा उत्तर, अभ्यर्थियों को रटवाए गए थे आंसर, उत्तर रटवाकर सेंटर तक पहुंचाए गए थे अभ्यर्थी। पटना पुलिस को मिली मामले की जानकारी, पुलिस ने सभी आरोपी को किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक को लेकर एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दिल्ली में बिहार ईओयू के एडीजी और एनटीए के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली है और साफ शब्दों में कह दिया है कि दोषियों पर बेहद कठोर कार्रवाई होगी, किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये सरकार आप ही के हैं, सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे, आप भरोसा रखिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नीट मामले में जांच एजेंसी को अब तक क्या क्या सबूत मिले हैं जिसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ रही है। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, अभ्यर्थियों के दस्तावेज, जला हुआ प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, वो घर जहां प्रश्न उत्तर रटवाए गए, पोस्ट डेटेड चेक, माफिया से बरामद मोबाइल, आरोपियों का कबूलनामा, परीक्षा माफिया का इतिहास। जांच अधिकारियों को पेपर लीक कांड के जो सबूत मिले हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। यही वजह है कि देश भर में छात्र सड़कों पर उतरकर एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है, सीबीआई से जांच होगी या नहीं ये अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कह दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार जल्द ही इस मामले में निर्णायक फैसला लेगी। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए, मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, आप भरोसा रखिए ठीक हो। ईओयू मामले की जांच कर रहा है, शिक्षा मंत्री दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले छात्र भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि अब वो मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जांच में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो पहले भी दूसरे पेपर लीक कांड में जेल जा चुका है। उसी ने नीट के पेपर भी आरोपी सिकंदर यादवेंदु को दिए और बाद में सिकंदर ने सारे अभ्यर्थियों को ये पेपर दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नीतीश के पास
परीक्षा से पहले ही नीट के पेपर कहां से आ गए? नीतीश को किसने नीट का पेपर दिया? क्या इसमें कई और भी चेहरे शामिल हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार न तो एनटीए का अधिकारी है, न ही वो किसी एग्जाम सेंटर का पर्यवेक्षक। तो फिर किसने उसे नीट का पेपर एग्जाम से एक दिन पहले ही दे दिया? इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब मामले की जांच आगे बढ़ेगी। बिहार ईओयू जिस मुस्तैदी के साथ मामले की जांच कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो चेहरा भी बेनकाब होने वाला है जिसने पेपर को लीक किया। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कह चुके हैं कि वो ईओयू की जांच से संतुष्ट हैं और जल्द ही इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त हेरिटेज नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध बूचड़खाने के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हसनपुरा क्षेत्र में निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने यह कार्रवाई की है। 6 मीट की दुकानों को सीज कर लिया गया है। तो जयपुर में हेरिटेज नगर निगम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। हसनपुरा क्षेत्र में निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने यह कार्रवाई की है। 6 मीट की दुकानों को सीज कर लिया गया है। खुले में मांस बेचने और अवैध बूचड़खाना चलाने वालों पर पशु प्रबंधन शाखा ने 6 दुकानों को सीज करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा गौड़ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में दलील पेश की गई। ईडी के वकील एसबी राजू ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं। एसवी राजू ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर केजरीवाल ने पर्सनल कैपेसिटी में 100 करोड़ मांगे। ईडी के वकील ने कहा कि ईडी ने 45 करोड़ ट्रेस किए हैं, साथ ही यह भी दिखाया कि गोवा चुनाव में पैसों का कैसे इस्तेमाल हुआ है। ईडी के वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा कि केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। अपनी दलील रखते हुए एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल गोवा में 7-स्टार ग्रैंड हयात होटल में रुके, वहां का बिल चरणजीत सिंह के अकाउंट से अदा किया गया और ट्रायल कोर्ट ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है। दूसरी तरफ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से स्टे की मांग एक तरह से जमानत को रद्द करवाना ही है। ईडी के पास कोई आधार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी के हाई कोर्ट जाने पर सुनीता केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनशन के मंच पर पहुंची सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल मोस्ट वांटेड हों। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है, आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर डिजिटल हाउस अरेस्ट का केस सामने आया है। इस बार बुजुर्ग महिला को वीडियो कॉल पर साइबर ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर करीब 1,30,00,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस अब इन साइबर ठगों की तलाश में जुटी है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। नोएडा में फिर डिजिटल अरेस्ट का केस। नोएडा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया है। आरोप के मुताबिक फेडेक्स कोरियर कंपनी के नाम पर कॉल कर जालसाजों ने डराया, धमकाया और महिला को जेल भेजने का डर दिखाया। बुजुर्ग महिला से ठगे 1,30,00,000 रुपए।
रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला से करीब 1,30,00,000 रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों की तलाश में जुटी नोएडा पुलिस। पीड़ित महिला ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस भी इस ठगी की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। लगातार 5 दिन तक इनको किसी अन्य कोई और मोबाइल अटेंड करने नहीं दिया गया, इनको अन्य किसी व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा दबाव बनाया कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी, अपने घर में रहेंगी, और इस तरह से दबाव बनाते हुए कई बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराए गए, जिस और उनमें 1,40,00,000 रुपए ट्रांसफर करा दिए गए। महिला को 5 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट। साइबर क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट से ठगी का खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें पहले एक वीडियो कॉल आता है, फिर सामने वाला खुद को पुलिस या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का बड़ा अधिकारी बताकर किसी पार्सल में ड्रग्स या दूसरे किसी ऐसे सामान का हवाला देता है जो गैर कानूनी है। इसके बाद शुरू होता है ठगी का खेल। वीडियो कॉल को बंद नहीं करने दिया जाता है और लगातार अलग अलग ठग खुद को अधिकारी बताकर अलग अलग अकाउंट नंबर पर पीड़ित से पैसे ट्रांसफर करवाते रहते हैं। जब तक पीड़ित को होश आता है, अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है। लाखों की संख्या में रोज लोग अयोध्या में आ रहे हैं, और इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि गर्भगृह में पानी निकासी में दिक्कत आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ उमंग और उत्साह है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तभी से यहां रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 500 साल बाद भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन करना सुलभ हुआ है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर बना है, जिसका गर्भगृह भी बेहद आकर्षक है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी की निकासी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जल को बाहर फेंक देते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए थाल में उनको रखा जाता है। छोटे मूर्ति हैं, बड़े मूर्ति हैं, तो उनको इस प्रकार से सिंहासन बना हुआ चारों ओर से बीच में जगह है, जो स्नान करने जो स्नान कराया जाता है उसमें रुक जाता है जल, और उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। जब प्रभु राम का श्रृंगार होता है, उससे पहले रोज उन्हें स्नान कराया जाता है, जिसमें सरयू जल के अलावा मधुपर्क से भी स्नान कराया जाता है। मधुपर्क में दूध, दही, घी, शहद मिला होता है। इससे स्नान करने के बाद उन्हें फिर सरयू जल से नहलाया जाता है। सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला के स्नान के बाद जो पानी फर्श पर गिरता है, उसकी निकासी में दिक्कत आ रही है। उनकी मांग है कि रामलला के गर्भगृह के पास एसी भी लगाया जाए, क्योंकि कूलर से गर्मी कम नहीं होती। वहाँ पर एसी लगा, वो एसी वहाँ काम लायक नहीं है, उससे जो है जरा सा भी उससे ऊपर निकलता है उसका जो ये है ठंडा हवा ऊपर निकलती है, नीचे से मतलब नहीं है, और वो उतना ना निकलती पूरा जो गर्भगृह है ठंड हो जाए, वो भी नहीं। राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु राम 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान है। राम लला के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जब उठ जाते हैं तो उनकी मंगला आरती होती है, मंगला आरती करने के बाद में तब उसके बाद में उनका स्नान शुरू होता है। स्नान करने के बाद फिर नया वस्त्र धारण कराया जाता है, नए वस्त्र धारण करने के बाद श्रृंगार किया जाता है, और माला फूल से, श्रृंगार से, चंदन से और इत्र से सब व्यवस्थित जब हो जाते हैं तब श्रृंगार आरती होती। मंगला के बाद श्रृंगार आरती होगी,
श्रृंगार आरती होने के बाद जब भोग लग जाएगा श्रृंगार आरती के बाद और फिर मंदिर खोल दिया जाता है तब तो लोग के दर्शन होते हैं। राम मंदिर में राम लला की सेवा आराधना एक बालक के रूप में की जाती है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप के लीग राउंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब टीम इंडिया ने सुपर 8 राउंड के पहले मैच में भी कमाल की जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने बारबाडोस में खेले गए अपने पहले सुपर 8 मैच में अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाज में 47 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान की टीम की हार की स्क्रिप्ट सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने तैयार की, आइए इस रिपोर्ट में देखते।